शाहीन बाग में हम खड़े हैं, यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है। इनके घर जला दिया गया, उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये पब्लिक पागल थोड़ी है, सब परेशान है। स्टैंड लेना कि डेट पे डेट दे, इनको लेना चाहिए एक राइट स्टैंड। अब शाहीन बाग का होगा रास्ता साफ। प्रदर्शनकारियों से नहीं होगी कोई बात। दिल्ली पुलिस का शाहीन बाग को सख्त संदेश। धरना प्रदर्शन का नहीं है कोई आदेश। शाहीन बाग में भारी किलेबंदी। धारा 144 लागू, प्रदर्शन पर पाबंदी। खत्म होने वाला है महिलाओं का धरना प्रदर्शन। ढाई महीने से बंद सड़कें खुलने वाली हैं। खाली होगा शाहीन बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खाली होगा शाहीन बाग, और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। 15 दिसंबर 2019 ये वो तारीख जब सीए और एनआरसी के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर बैठी, और आज तक महिलाएं सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं से समझौते की कोशिश भी की गई लेकिन बात नहीं बन पाई। इस बीच में विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में खूब हंगामा हुआ, कई जगहों पर दंगे हुए तो 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों के घर फूंक दिए गए और न जाने क्या क्या इस दिल्ली में हुआ। अब शाहीन बाग में सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब है शाहीन बाग में कहीं भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बावजूद इसके शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, तो क्या अब धारा 144 के बाद शाहीन बाग खाली होगा? बाग में हम खड़े हैं, यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है। इनके घर जला दिया गया, उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये पब्लिक पागल थोड़ी है, सब परेशान है। स्टैंड लेना कि डेट पे डेट दे, इनको लेना चाहिए एक राइट स्टैंड। शाहीन बाग में आसमान से लेकर जमीन तक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग में भारी किलेबंदी कर दी गई है, धारा 144 लागू है। दरअसल हिंदू सेना ने 1 मार्च यानी कि रविवार के दिन ही शाहीन बाग कूच करने का ऐलान किया था, हालांकि बाद में हिंदू सेना ने अपना फैसला बदल लिया, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि जब धारा 144 लागू है तो फिर धरना क्यों जारी है? क्या जल्द ही शाहीन बाग का रास्ता साफ होने वाला है? शाहीन बाग में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी, चप्पे चप्पे पर खुफिया और सतर्क नजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहां धारा 144 सीआरपीसी लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये चेतावनी शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की है। शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में धारा 144 की चेतावनी दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शाहीन बाग में धारा 144 लागू कर दी गई। शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके कहा है कि इस क्षेत्र में जमा न हो
और न ही प्रदर्शन करें। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती भी है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हमने ये एहतियातन तौर पे आपने देखा कि सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। सारे जिले के आला अफसर और जो आउटसाइड हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। मैं आउटसाइड फोर्स है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको नहीं देना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ हमने आउटसाइड फोर्स भी है, जिले के और दिल्ली पुलिस के बाकी जगह के भी लोग हैं और दिल्ली पुलिस की अपनी जो आर्म पुलिस बटालियंस हैं, आर्म पुलिस की कंपनीज हैं और साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स सीआरपीएफ की कंपनीज भी हैं डिप्लॉयड की। शाहीन बाग में जिस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही धारा 144 लागू होने की चेतावनी, इससे एक बात तो साफ है कि शाहीन बाग में सीएए के विरोध में बैठी महिलाओं को जल्द से जल्द रास्ता साफ करना होगा, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता, न ही 5 लोग एक साथ कहीं खड़े हो सकते हैं या जा सकते हैं। शाहीन बाग में किसी तरह से दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी की है, कैसे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है इसकी पूरी तस्वीर आगे दिखाएंगे। इससे पहले आपको धारा 144 से जुड़ी एक एक जानकारी देते हैं। क्या है धारा 144? सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम रखने के लिए उस स्थिति में लगाई जाती है जब किसी तरह की सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा 144 जहां लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी ठप किया जा सकता है। धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। धारा 144 में सजा का प्रावधान, गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा भी हो सकती है। यानी अगर शाहीन बाग में कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होने के साथ ही जेल भी उसे जाना पड़ सकता है। हालांकि धारा 144 लागू होने के बाद भी शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। अब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस कैसे हटाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सड़कों पर महिलाएं डटी हुई हैं और रास्ता छोड़ने को राजी नहीं। वहीं हिंदू सेना ने ऐलान किया था कि रविवार को शाहीन बाग प्रदर्शन खत्म करवा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही शाहीन बाग में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। हालांकि बाद में हिंदू सेना ने अपना फैसला बदला है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लागू की है। सभी लोगों ने जो है वो एकमत होके एक राय बना के इस प्रोटेस्ट को जो है वो कैंसिल कराया है। यहाँ तक कि हिंदू सेना के जो ऑफिस बीरर थे उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी जो है इसको कैंसिल कर दिया है। इससे पहले भी कई बार शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने को लेकर लोग जमा होते रहे हैं। ऐसे में शाहीन बाग के लिए पुलिस खास तौर पर सतर्कता बरत रही है। पुलिस लोगों की आवाजाही पर भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है। प्रदर्शन स्थल के आसपास धीरे धीरे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। पुलिस सब पर कड़ी नजर रखी हुई है। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल की ओर आने वाली सड़क पर भी पुलिस की निगरानी है। शाहीन बाग में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों के प्रदर्शन को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीता है। स्थानीय महिलाएं धरना स्थल पर बैठकर धरने को आगे बढ़ाती रही। दिल्ली में कई जगहों पर हिंसाएं हुई, इसके बावजूद अभी भी प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहां पहले जैसी भीड़ अब नहीं है। इसके चलते प्रदर्शन में शामिल लोग मंच से धरना स्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ शाहीन बाग में धारा 144 लागू है तो दूसरी तरफ शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि शाहीन बाग का रास्ता जल्द खुलने वाला है? धारा 144 लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस क्या करती है, इस पर सबकी नजरें हैं। आगे हम आपको बताएंगे शाहीन बाग में कब कब और किसने सुलह की कोशिश की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट,
R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच कब सुलह होगी, इसको लेकर कई सवाल है। हालांकि कई बार समझौते की कोशिश जरूर की गई, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहल की गई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। आखिरकार प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांगे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसने सुलह की कोशिश की, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा, कब सड़कें खुलेंगी, कब शाहीन बाग में सब कुछ ठीक ठाक होगा, इसका तो पता नहीं। लेकिन दिल्ली में दंगा और शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के बीच अब शाहीन बाग में धारा 144 लागू है, जिसका मतलब है एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब धारा 144 लागू होने के बाद सवाल ये कि अब तक क्यों शाहीन बाग में धरना चल रहा है। हालांकि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के साथ समझौते को लेकर कई कोशिशें हुई, लेकिन बात कभी भी नहीं बन पाई। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों से सड़क खुलवाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने चार दिनों तक प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन हर दिन बातचीत बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार साधना रामचंद्रन के सामने कई मांगे रखी और साधना रामचंद्रन की बातों से प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हो सके। बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वार्ताकार साधना रामचंद्रन के सामने कुछ मांगे रखी। प्रदर्शनकारी सुरक्षा चाहते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करे। सुरक्षा की पुलिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी ले। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि शाहीन बाग और जामिया के लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं। CA वापस लेंगे तो रोड खाली होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिन लोगों ने शाहीन बाग के खिलाफ गलत बोला है उनके खिलाफ कार्रवाई। साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाएं अपनी मांगों को छोड़ने को तैयार नहीं। 1.5 महीने से सड़क पर प्रदर्शनकारी महिलाएं बैठी हुई हैं। जिस तरह से समझौते की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है, उससे तो यही लगता है कि शाहीन बाग का रास्ता आसानी से खुलने वाला नहीं। लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद कानूनी तौर पर धरना कभी भी खत्म हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में धरना खत्म करने के लिए क्या करती है और शाहीन बाग का रास्ता खुलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शाहीन बाग में भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच R9 TV की टीम शाहीन बाग पहुंची। यहां लोगों ने क्या कुछ कहा, क्यों लोगों में नाराजगी है, किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का इंतजाम यहां कर रखा है, इसका जायजा लिया R9 TV के सहयोगी अमित दुबे ने। शाहीन बाग की सुरक्षा व्यवस्था कितनी टाइट है, इसका एक नज़ारा यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है, ये वो रास्ता है जो बदरपुर साइड से आता है और नोएडा के लिए जाता है, और इस रास्ते को पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया जब इस रास्ते को रास्ता बंद है। और ख़ासतौर मार्केट बात करें, मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बंद चल रही है और सारे रास्ते जो हैं वो यहाँ के पूरी तरह से ब्लॉक हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो यहाँ पे सुरक्षा जो है पूरी तरह से टाइट कर दी गई। यहाँ तक कि अगर हम गली की बात करें तो शाहीन बाग के अंदर से जो गलियाँ यहाँ पे मेन रोड पे आ रही हैं नोएडा कालिंदी कुंज रोड पे, उन गलियों को भी पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, बंद किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ की, चूँकि काफ़ी समय हो गया है इसलिए दिल्ली पुलिस को देखा जा सकता है कि जवान किस तरह से कुर्सी डाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि लगातार जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है। रोड की बात करें तो चूँकि पूरा रोड ब्लॉक है, ये अगर हम अपने राइट हैंड पे बात करेंगे तो ये वही इलाका है जो बदरपुर, सरिता विहार और अपोलो हॉस्पिटल की तरफ जाता है ये रोड। और ये क्योंकि रोड पूरी तरह से बंद है, इससे पहले भी बैरिकेड है, और ये पीछे का खासतौर पर इलाका है जो प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है उसके पीछे की साइड है ये,
जिसे पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षित किया गया है। लोग जो हैं जो खासतौर पे प्रदर्शन में शामिल है वो लोग अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। और बाकायदा चाहे तिरंगे की बात की जाए, तिरंगा यहाँ पे मौजूद है। अम्बेडकर की बात की जाए, संविधान बचाओ, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, यानी CAA को सरकार वापस लो। लेकिन भले ही सरकार के ऊपर जू ना रेंग रही हो, लेकिन इनके इरादे इतने बुलंद हैं कि अब भी यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह से यहाँ पे टाइट किया गया है, अब जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। लोगों का ये मानना है, लोग बस ये चाहते हैं कि NRC को लेकर लोग सरकार जो है अपनी बात रखे कि ये आने वाली नहीं है, ठीक है। तो सरकार इस पर कोई हल नहीं, मतलब एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वगैरह जो है प्रोटेक्शन के लिए, और लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुल ढंग से कर रहे हैं अपना। तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया फैलाई जा रही है कि शाहीनबाग में जबरदस्ती लोग बैठा ले गए हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है इस पे कि लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन कहीं की वीडियो कहीं भी कट करके करते हैं। मैं खुद वही काम करता हूँ एडिटिंग का, तो ये सब मुझे पता है कैसे होता है, ठीक है। सब चीज़ें फेक है, और जिनको जानना है वो खुद यहाँ आ जाए। बहुत लोग आए देखने के लिए, तो जिनको अगर लगता है ऐसा है तो आकर आ जाए, यहाँ देख लें, वो चेक कर लें कि क्या। सरकार के नुमाइंदे खासतौर पर इन चीज़ों को प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि मतलब यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है 3 महीने से या 15 दिसंबर से, ठीक है, तो उस पर यह है कि जैसे कि मुद्दा है कि रोड खाली करवाया जाए, ठीक है, तो रोड की वजह से दिक्कतें आ रही हैं पब्लिक को। तो यहाँ पे जैसे कि 15 दिसंबर से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो महिलाएँ बच्चे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी परेशानी को भी समझनी चाहिए थी, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट को जैसे वहाँ से यहाँ पे स्टेज पे आके जो है शाहीन बाग में जो बताना चाहिए था कि हाँ भाई क्या है नहीं है, जो भी है स्पष्ट करके बताना चाहिए था कि हाँ यानी कि ये होगा या आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जो भी सपोज डेट हो वो बताना चाहिए था कि कम से कम एक बताते, उसमें जो है एक नया माहौल क्रिएट होता और मतलब लोगों में एक मैसेज जाता, तो ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पर, जो अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में हम खड़े हैं, जहाँ पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त यानी 15 दिसंबर 2019 से प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तक कि नई साल भी लोगों ने इसी जगह पर मनाई है। लोग हमारे साथ बात करते हैं, अब तक जो है सरकार ने आपकी कोई बात नहीं, क्या कहें? सरकार खामोश है, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है, जब उन्होंने पहले यह बदनाम किया था कि मुसलमानों का आंदोलन है, तो ये देखिएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैथलिक क्रिश्चियन हाथ में भाई मिले। इसी तरह से सदारी भी हमारे साथ हुआ करते थे, हिंदू भाई भी है, सदारी भी है, तो कुल मिला के ये आंदोलन जो उन्होंने कहा था मुसलमानों का, बात झूठ निकली। दूसरी झूठ वो बोले कि 500 रुपये के लिए, हमने उस बात का खंडन किया। तीसरी बात वो बोले आदरणीय योगी जी कि साहब बिरयानी बिरयानी बिरयानी, हमने उनकी इस बात का भी खंडन किया कि भाई आप लोग झूठ क्यों बोलते हो। उधर बदतमीजापन दिखाया शाहजी ने कि बटन माता माना करंट मार लगे, हमने उनकी बात का खंडन करते हुए कहा कि गृहमंत्री के मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है, आपको जो है अच्छी बात करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इस तरह से इनके हर आरोप का हमने खंडन किया है। और खंडन हमने, अब तो आपको सही बताएं, मैं यहाँ पहले दिन से हूँ और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी मैं बराबर साथ रहूंगा। क्यों? कि मैं बोल जानू, मैंने गीता को, रामायण को, महाभारत को, कुरान शरीफ को, गुरु ग्रंथ साहब को और बाइबल को अच्छी तरह से कह रहा हूं कि चारों धर्मों का, इसलिए सबका दुख बड़ी अपना दुख लगता है। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है ये बिल्कुल गलत, हमारे देश के अंदर कुछ IT सेल भाजपा की किसी के भी मान लो जो गलत तरीके से हमारे देश को पेश कर रहे हैं। हमारा देश गांधी की विचारधारा पर चलने वाला देश है, ना कि गोडसे की विचारधारा पर चलने वाला देश है। हमारे देश के अंदर आप प्रोटेस्ट की इसकी बात करें तो प्रोटेस्ट एक लाइन में हो रहा है, रास्ता जो बंद कर रखा है यहाँ का दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने कर रखा है। और हमारे देश के गृहमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री और यहाँ तक कि दिल्ली के CM, ये सब लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। और दिल्ली के अंदर एक वारदात जाफराबाद सीलमपुर मुस्तफाबाद की तरफ हो जाती है और बेगुनाहों को वहाँ बुरी तरह से उनके तबाह कारोबार से तबाह कर दिया जाता है, घरों में आग लगा दी जाती है, लेकिन वहाँ के हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ जाकर बात करने के लिए तैयार। तो शाहीन बाग में लोगों को देखा जा सकता है कि किस तरह से इनके इरादे बिल्कुल अड़िग हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।
तो सुना आपने, मांग सिर्फ एक ही है कि सीए जो लागू कर दिया गया है उसे वापस लिया जाए। और इधर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सहयोगी अमित दुबे ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, लेकिन इस बीच जो हलचल बढ़ी है, धारा 144 लगा दी गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर और चाक चौबंद की गई है, उसे देखकर यही लगता है क्या खाली होगा शाहीन बाग। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आना टीवी सिर्फ खबर के लिए। शाहीन बाग में हम खड़े हैं, यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, या किसी का भाई मर गया, इनके घर जला दिया गया, उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये पब्लिक पागल थोड़ी है, सब परेशान है। स्टैंड लेना कि डेट पे डेट दे, उनको लेना चाहिए एक राइट स्टैंड।